हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में बात ये क्वेश्चंस की नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, इस वीडियो में बात यह है कि इस क्वेश्चन के ऊपर किस तरह की आपको अप्रोच लगानी है क्वेश्चन सोल्व करने में, और उससे हम कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपको जो दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये आपका 8 अगस्त 2017 शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम तो इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से करने वाले हैं, बिकॉज चैनल का नाम ही स्मार्ट क्लासेस है, तो ओनली स्मार्ट वर्क ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, बाद की बातें फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन रेशो 19:11:13, इस रेशो में दे दिया, और लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है हाइट से, तो आपको वॉल्यूम बताना है। ये 8 अगस्त 2017 शिफ्ट 3rd का SSC CGL का पेपर है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है। लेंथ जो है वो आपकी लेट्स सपोज 19x, वो आपकी ब्रेथ हाइट से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि ठीक है, इतना हो गया, यानी 6x = 30x = 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आ गया, अब आपको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। वॉल्यूम आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, 19:11:13 × x³, तो ये आपका हो गया 19:11:13 × 5। अब यहाँ पे मेरा तो 1 to 5, ये टफ टास्क है भाई, इससे इन ऑप्शंस का आंसर कैसे निकालूं मैं, ठीक है। तो इस ऑप्शंस का आंसर, सबसे पहले तो हम इसको लास्ट डिजिट देखते हैं कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। देखिए, ये 9 9 27 27 5, ठीक है, 27 × 5 5, मतलब लास्ट में 5 ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ऑप्शन बी होगा या फिर डी होगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपका ये वाला है या ये वाला है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कितना स्मार्ट तरीके से हम काम करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पहले तो मैं पहला तरीका बताता हूँ, केस वन, लास्ट टू डिजिट। इस क्वेश्चन के हम लास्ट टू डिजिट निकालेंगे, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपको भी पता है। किसी भी नंबर की अगर हम लास्ट टू डिजिट निकालते हैं तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 125, ठीक है। तो 25 × 4 हो गया, 25 × 5 = 125, और भी कटता है क्या? नहीं कटता। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालेंगे इसका। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, अब कितने की कमी है, एक की कमी है। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने की कमी है आपकी, एक की कमी है, क्योंकि 4 × 12 होता है। यहाँ पे आपका एक रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे भी आपका 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आ गया। देखिए कितनी आसानी से आपका निकलेगा, ये 1/4, यानी कि रिमाइंडर 1 आ गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में मैंने क्या किया था, एक 25 से डिवाइड किया था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसकी लास्ट टू डिजिट आपकी 25 होगी, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब एक दूसरा तरीका देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको, सेकंड अप्रोच। देखिए, कभी भी यहाँ पे देखिए 19:11:13 × 125, ठीक है, 11 × 13, इसके मल्टीप्लाई करना इजी है, विच इज़ इक्वल टू 143 × 125। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, आप जैसे 143 और 19 के आपको मल्टीप्लाई करने, देखिए एक सेकंड में कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपके टोटल डिजिट काउंट करिए, आपके 5 हो गए, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 डिजिट का हो सकता है, और कम से कम आपका 4 डिजिट का हो सकता है, ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, यहाँ देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर जो है वो 999 ले लीजिए, इनटू आप मैक्सिमम दो डिजिट का नंबर 99 ले लीजिए, इससे बड़ा तो कोई नंबर होगा ही नहीं, तो ये कितना हो गया, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 डिजिट का बना है। कम से कम आपका कितना बनेगा, जैसे 143 है इंटू, कम से कम का भी देख लेते हैं, 11 11 11 × 11 11, सबसे छोटे नंबर हैं ये 5 डिजिट के, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका मैक्सिमम 4 डिजिट का बन रहा है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ समझ आ गई कि मैक्सिमम या तो 4 डिजिट का बनेगा या 5 डिजिट का बनेगा। अब अगेन आपने इसको 4 डिजिट का या फिर 5 डिजिट का, ठीक है। अब
इसको जब आप 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये टोटल आपका 7 डिजिट का हो गया, ये आपका 8 डिजिट का हो गया। ये 7 डिजिट का मैक्सिमम आपका या तो 7 डिजिट का बनेगा या फिर 6 डिजिट का बनेगा। ये आपका 8 डिजिट का भी बन सकता है या आपका 7 डिजिट का भी बन सकता है। यानी कि वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज़, 6, 7 एंड 8, या तो 8 डिजिट का या 6 डिजिट का या फिर 7 डिजिट का। अब आपके ऑप्शंस में देखिए, 2 ही 5 हैं, इसमें आपका ये मैच कर रहा है, या तो 6 डिजिट का बन सकता था मेरा, और ये यहाँ पे 5 का है, 5 का तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, सबसे छोटे नंबर्स में हों। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी नंबर्स में हम 100 से डिवाइड क्यों करते थे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हो, एक्चुअल में उसके पीछे बेस क्या है। ठीक है, तो देखिए, सपोज करो ये कोई नंबर है, ठीक है, इस नंबर के हम कहें लास्ट 2 डिजिट कितने हैं, आप सीधा सीधा बोलोगे भाई 34 है। वो कैसे आया, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, और अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा, ये 0 देगा बिकॉज ये पूरा पूरा डिविजिबल है, ये भी 0 देगा, और इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 34। यही तो इसकी एप्लीकेशन है रिमाइंडर थ्योरम की, इसलिए हम यहाँ से 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं आपके लिए ऑलवेज़ ट्राई करता हूँ बेस्ट से बेस्ट जो है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, लेकिन आप लोग ज़रा सा भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यार, लाइक करने में आपको कितना सेकंड लगता है, 1 से 2 सेकंड लगते हैं आपको वीडियो लाइक करने में, कमेंट करने पे ना आप लोग लाइक करते हैं ना आप लोग कमेंट करते, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है यार, आप इतना सा काम नहीं कर सकते। मैं आपको कौन से, अब ये बताइए, इस क्वेश्चन को सोल्व करके, ठीक है, आपको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको इतनी चीज़ें बताएगा कि ये क्वेश्चन आगे भी कैसे करना था, कौन बताएगा आपको ये सब चीज़ें, आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे में यार मैं ऑलवेज़ ट्राई करता हूँ कि मेरे पास जितना भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आया, मैं अपनी पढ़ाई में से कीमती समय निकाल के आपको देता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सोच रख के कि कहीं ना कहीं मेरे कंसेप्ट की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन हो तो उसकी मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन आप लोग एक लाइक तक नहीं करते यार, कमेंट तक करके बताते नहीं हो। ठीक है यार, दूसरे चैनल की तरह हल्का सा मेरा भी स्वार्थ है कि मैं अपने चैनल को ग्रो अप करूं। ठीक है यार, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं और वो 3 से 4 लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 लोगों तक पहुँचे, तो उसमें यार कितना दुख होता है। कम से कम आप मेरी वजह से नहीं, दूसरों लोगों के लिए कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करवाने से, आप लोग अपने दोस्तों से अगर सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर करेंगे, तभी तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। ठीक है, तो यार ऑलवेज़ ट्राई किया करो कि दूसरों की हेल्प किया करो, हमेशा दूसरों की हेल्प करने से जितना सुकून मिलता है उसमें किसी और चीज़ से सुकून नहीं मिलता। आप लोग अगर कमेंट करके ये बताते हो कि वीडियो बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, सो मैं आपको बता नहीं सकता, वो सबसे बड़ी खुशी होती है मेरे लिए। ठीक है, और मैं इस चैनल पे कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा, अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं कमाया है, 1 रुपया भी नहीं कमाया है, और इतने ज़्यादा मैं वीडियोस बना चुका हूँ और इतना ज़्यादा मैं टाइम डिवोट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अभी तक 1 रुपया भी इसमें वीडियो में, अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि हम लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं, ये वो करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग, मैं इस चैनल पे आया, ठीक है, मैं अपनी पहचान बनाना चाहता था आप लोगों तक, ठीक है, तो उसमें आपकी सब्सक्राइब करने की मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज़ यार इतना कर दिया करो। अब आगे देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन लास्ट 2 डिजिट के भी। देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट आपके मजबूत बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लास्ट 2 डिजिट निकालता हूँ, पूरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, कोई हवा में बातें नहीं करता मैं। देखिए, 71 की पावर 56474, ठीक है, ये आपके पास एक नंबर है। अब इस नंबर में लास्ट 2 डिजिट मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, एक तो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आपका 10 सेकेंड का है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, देखिए 1 की पावर 7, 1 तो ऑलवेज आपका यूनिट डिजिट पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये नंबर है 7, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, 7 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 4, 9। ठीक है, 4
49 आ गया, तो यहाँ पे आपका ये जो 9 है ये आपका टेंथ डिजिट बनेगा, ठीक है, ये आपका टेंथ डिजिट बन जाएगा, तो ये आपका 9 हो गया आंसर इसका। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आपका 19 की पावर आपका 266 है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये, अब यहाँ पे आप इसकी 1 की पावर में बनाइए, देखिए 19 का स्क्वायर जो होता है वो 1 की पावर के फॉर्म में बन सकता है, ठीक है, ये इसका स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है इंटू 1 की पावर 33। अब इसका यूनिट डिजिट आपका हो गया ऑलवेज 1, ठीक है, और अगर आपको टेंथ डिजिट निकालना था तो उसके लिए भी मैंने आपको 3 का बताया था, ये वाला जो नंबर है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 विच इज़ इक्वल टू 18, तो ये आपका टेंथ डिजिट हो गया, ठीक है, सो यानी कि 81 ये आपका लास्ट 2 डिजिट इस नंबर के हो गए। अब मैं आपको सीधा सीधा इसका पीछे ट्रिक बता देता हूँ क्या है, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है 41 की पावर 47, ठीक है, आपको बताना था कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये 1 हो गया, ये 7 × 28, 28 का 8, 81 हो गया इसका आंसर, ठीक है, सीधा। अब यहाँ पे देखिए इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो इसके बाइनोमियल थ्योरम से मैं बता देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम से एक मिनट में आंसर निकल के आएगा, ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 40 + 1 की पावर 47। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम आप लगाइए, NC0, सबसे पहले तो मैं बाइनोमियल थ्योरम की आपको एक्सपेंशन खोल के दिखा देता हूँ, a + b की पावर n, ठीक है, NC0 एक टर्म आपको, एक टर्म की पावर आपको n करनी है और एक आप स्टार्ट करिए ज़ीरो से, प्लस NC1 a की पावर, अब ये एक घटाइए, इंटू b की पावर 1 up to 100, NCn a की पावर, अब ये घटते घटते ज़ीरो पे चली गई और ये बढ़ते बढ़ते n पर चली गई, ठीक है, यहाँ पे भी आपको बस यही कंसेप्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए NC0 इंटू 1 की पावर 47, ये आपको मैक्सिमम लेना है और ये पावर आप स्टार्ट करिए ज़ीरो से, फिर 47 इसकी एक एक पावर आपको घटानी है, इसकी आपको बढ़ानी है, प्लस 47C2 1 की पावर 45 40 स्क्वायर, इससे आगे आपको जाना भी नहीं है, वो क्यों नहीं जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो बाइनोमियल थ्योरम से फ़ायदा यही है कि आपका आंसर दो लाइन में आ जाता है, NC01 ये सारा आपका 1 बन गया, प्लस ये 47 बन गया इंटू 40, प्लस आपका यहाँ देखिए 47C2 और ये आपका 40 का स्क्वायर है तो 600 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं पहले इसको समझाने से पहले कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी नंबर है आपका, जैसे आप 10 का 10 है प्लस आपका 80 है प्लस आपका 900 है, तो अगर इस नंबर की मेरे को लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट जो होगी वो सिर्फ इन दो नंबर्स पे डिपेंड करेगी, क्योंकि उसके बाद तो ये 00 है, ये 00 है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी, 90 हो गया ये प्लस 900 + 1600, यानी कि इसकी लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज 90 होगी। आप करके भी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे 990 हो गया और इसमें जब 1600 ऐड करेंगे तो आपका 2590 हो गया, यानी कि यहाँ पे 20 आने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लास्ट 2 डिजिट सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगी, 1 प्लस, अब इसकी लास्ट डिजिट 0 है, 7 × 28, हम सिर्फ आगे तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करिए, ये आपका 81 आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि उससे आगे का हमें सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट आपकी बतानी है, लास्ट 2 डिजिट तो सिर्फ इनके लास्ट 2 डिजिट में सिर्फ एक ही तो ऐड करना है, इसलिए हमने सीधा लास्ट 2 डिजिट निकाला इसका, सो ये आपका ट्रिक हो गया। सो तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।